सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम सोल्व करने वाले हैं एक न्यूमेरिकल, और न्यूमेरिकल कुछ इस तरह से है कि इन द गिवन सर्किट विद स्टेडी करंट कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द गिवन कैपेसिटर एंड आल्सो फाइंड द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। तो दोस्तों, हमें इस सर्किट के अंदर जो एक कैपेसिटर दिया है, इसके अक्रॉस एक तो पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है, और दूसरा हमें फाइंड आउट करना है कि इस कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर हुई है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो हमें बात नोट करनी है वो ये है कि सर्किट में स्टेडी करंट फ्लो कर रहा है, और हमें ये पता है कि जो कैपेसिटर है वो स्टेडी करंट को ब्लॉक करता है। मींस कैपेसिटर स्टेडी करंट को हाई रेजिस्टेंस ऑफर करता है। क्यों करता है? क्योंकि कैपेसिटर का जो रेजिस्टेंस है, जो कैपेसिटर का इंपीडेंस है, वो किसके कुल होता है? 1/ωC। ओमेगा इज द फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, सी इज कैपेसिटेंस, एंड हमें पता है स्टेडी करंट की एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 0। तो इसका मतलब ये 1/0, दैट मीन्स इनफाइनाइट। तो इसका मतलब ये है कि स्टेडी करंट को कैपेसिटर अपने अंदर से पास नहीं करने देता, तो इसलिए ये सर्किट जो है हमारा सिंप्लीफाई हो जाता है। अगर हम स्टेडी करंट की बात कर रहे हैं तो इस सर्किट को मैं कुछ इस तरह से ड्रॉ कर सकता हूँ। फिर दोस्तों, इस सर्किट को हम कुछ इस तरह से कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि कैपेसिटर जो है वो स्टेडी करंट को ब्लॉक कर रहा है, तो हम यहाँ पर कैपेसिटर को एक एज ए ओपन सर्किट कंसीडर करेंगे। तो अगर यहाँ पे कैपेसिटर ओपन सर्किट हो जाता है, तो इसका मतलब सर्किट में जो हमारी ये 6 वोल्ट की बैटरी लगी है, इसके भी मायने ख़त्म हो जाते हैं। तो इसका मतलब हम इस बैटरी को भी इस सर्किट से नेगलेक्ट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर भी करंट फ्लो नहीं हो रहा होगा। तो इसका मतलब स्टेडी करंट के लिए हमारा जो ये सर्किट था, वो सर्किट सिंप्लीफाई होके ये बन जाएगा। तो अब हमें इस सर्किट को सोल्व करना है, और सर्किट के अंदर टोटल करंट हम जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे। तो कैसे हम सर्किट के अंदर टोटल करंट फाइंड आउट करेंगे? तो देखिए ध्यान से, अगर हम इसको देखें सर्किट को, तो ये 1 ओम और ये 2 ओम का जो रेजिस्टर है, ये आपस में कैसे जुड़े हुए हैं? सीरीज में। तो इनको दोनों के जुड़ने से टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा सीरीज का 3 ओम। तो 2 ओम और 1 ओम आपस में जुड़ गए, 3 ओम हमारे पास दोस्तों टोटल रेजिस्टर आ जाएगा। उसके बाद अगर मैं इन बैटरीज को देखता हूँ, तो एक हमारे पास 12 वोल्ट की बैटरी है, और एक हमारे पास है 6 वोल्ट की बैटरी। लेकिन ये बैटरीज आपस में कैसे कनेक्टेड हैं? तो ये बैटरीज कुछ इस तरह से कनेक्टेड हैं कि अगर मैं इस सर्किट को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूँ, तो ये कुछ ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ मैं। ये मेरा 3 ओम का रजिस्टर मैंने ड्रॉ कर दिया। उसके बाद अगर मैं इस बैटरी को पहले ड्रॉ करता हूँ, तो 3 ओम के रेजिस्टर से इस बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल जुड़ा है, तो पॉजिटिव टर्मिनल ये नेगेटिव, ये है मेरी 6 वोल्ट की बैटरी। उसके बाद मैं दूसरी बैटरी जोड़ता हूँ, ये है 12 वोल्ट की बैटरी। और अगर हम ध्यान से देखें, तो ये दोनों बैटरीज के नेगेटिव टर्मिनल्स आपस में जुड़े हुए हैं, तो टोटल पोटेंशियल जो होगा इस कॉम्बिनेशन का, वो मेरे पास आ जाएगा 12 - 6, 6 वोल्ट। तो टोटल जो हमारे पास EMF, जो टोटल जो पोटेंशियल बनेगा इन दोनों के कॉम्बिनेशन का, वो कितना हो जाएगा? 6 वोल्ट हो जाएगा। 12 में से 6 माइनस हो जाएगा, क्योंकि दोनों बैटरीज जो हैं वो सीरीज में तो जुड़ी हुई हैं, लेकिन अपोजिट जुड़ी हुई हैं। मींस नेगेटिव से इस बैटरी का नेगेटिव जुड़ा हुआ है, तो इसलिए इन दोनों के जो पोटेंशियल हैं वो एक दूसरे में से माइनस हो जाएंगे, और टोटल पोटेंशियल हमारे पास बचेगा कॉम्बिनेशन का 6 वोल्ट। तो सर्किट जो है ये सिंप्लीफाई होके कुछ ऐसा बन जाएगा। तो अब सिंपली मैं इस सर्किट के अंदर जो ये करंट फ्लो कर रहा होगा आई, वो फाइंड आउट कर सकता हूँ। सिंपली मैं ओम्स लॉ ओबे करूँगा, तो ओम्स लॉ जब मैं यूज़ करूँगा, तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमें पता है V = IR, यही होती है ओम्स लॉ। तो आई हमारे पास क्या आ जाता है? V/R। तो इसका मतलब जो टोटल करंट है सर्किट में आई, वो कितना आ जाएगा? टोटल वोल्टेज कितनी है? 6 वोल्ट, और रेजिस्टेंस कितना है टोटल? ये 3 ओम। तो करंट हमारे पास आ जाएगा यहाँ से 2 एम्पियर। तो दोस्तों, इस तरह से इस सर्किट के अंदर जो टोटल करंट फ्लो कर रहा है, वो हमने फाइंड आउट कर लिया है, और ये करंट हमारे पास है 2 एम्पियर। दैट मीन्स हमारा जो ये सर्किट है, इसमें जो एक करंट फ्लो करेगा, ये कितना फ्लो करेगा? 2 एम्पियर करंट फ्लो करेगा इस तरह से। तो ये जो आई करंट यहाँ सर्किट पूरे सर्किट में फ्लो कर रहा होगा, वो 2 एम्पियर होगा। जो हमारे एलिमेंट है EF, इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। तो अब हमें
नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है कि हमें पोटेंशियल निकालना है इस कैपेसिटर के अक्रॉस। तो दोस्तों अब अगर हम इन दो एलिमेंट्स को कंसीडर करते हैं, एक ही एलिमेंट ए बी और एक एलिमेंट ई एफ। अब ये जो ई एफ और ए बी, इन ये दोनों आपस में पैरेलल जुड़े हुए हैं पॉइंट्स, तो इसका मतलब जो एलिमेंट है ए बी और जो एलिमेंट है मेरा ई एफ, इन दोनों एलिमेंट्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल की वैल्यू होगी वो सेम होगी। तो इसी चीज़ का हम फायदा उठाएंगे। तो हमने माना कि लेट जो हमारा कैपेसिटर है इसके अक्रॉस वोल्टेज है V, कि लेट इसके अक्रॉस जो, तो हमने मान लिया कि इस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल जो है वो कितना है, सपोज V वोल्ट। तो अब जो हमारा एलिमेंट है ए बी, इसके अक्रॉस जो टोटल पोटेंशियल होगा, और जो एलिमेंट है हमारा ई एफ, इसके अक्रॉस जो टोटल पोटेंशियल होगा वो होना चाहिए सेम। दैट मीन्स पोटेंशियल अक्रॉस ए बी दैट शुड बी इक्वल टू पोटेंशियल अक्रॉस ई एफ। तो ए बी के अक्रॉस टोटल पोटेंशियल कितना है, ए के 6 वोल्ट की बैटरी है, तो 6 प्लस यहाँ पे 1 एम्पियर करंट है, 1 ओम का रेजिस्टर है हमारा, और इसमें 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, तो इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल होगा, 2 वोल्ट। तो 6 प्लस 2 एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू जो दूसरा एलिमेंट है हमारा ई एफ, इसमें जो बैटरी लगी है इसके अक्रॉस पोटेंशियल है 6 वोल्ट प्लस जो कैपेसिटर है इसके अक्रॉस हमने पोटेंशियल मानना है वी, तो ये इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ से 6 के साथ 6 कैंसिल, तो हमारे पास V आ जाएगा 2 वोल्ट। तो इसका मतलब दोस्तों जो हमारा कैपेसिटर है उसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल होगा, 2 वोल्ट का पोटेंशियल होगा। तो अब हम निकाल सकते हैं इस कैपेसिटर के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर हुई है। तो एक आंसर तो हमारा निकल आया है, हमें निकालना था पोटेंशियल कैपेसिटर के अक्रॉस, तो पोटेंशियल कैपेसिटर के अक्रॉस है 2 वोल्ट। अब हमें निकालना है इसका, इसके अंदर कितनी एनर्जी स्टोर हुई है वो। तो एनर्जी का फॉर्मूला हमें पता है कि कैपेसिटर के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर हुई है, उसका फॉर्मूला होता है हाफ सी वी स्क्वायर। तो यहाँ से ई आ जाएगा हाफ सी। कैपेसिटेंस कितना है, 5 माइक्रोफेरेड, दैट मीन्स 5 × 10⁻⁶ इंटू वी स्क्वायर। वी कितना है, 2 वोल्ट, तो 2 × 4, तो ये बन जाएगा 2 × 4, तो 5 × 10, तो 10 × 10⁻⁶, दैट मीन्स एनर्जी विल बी 10⁻⁵ जूल। सो देयरफॉर द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर विल बी 10⁻⁵ जूल। तो दोस्तों ये था न्यूमेरिकल। तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स में आपने ध्यान रखना है कि जब भी स्टेडी करंट सर्किट में फ्लो कर रहा है तो वहाँ पे आपने कैपेसिटर को नेगलेक्ट कर देना है सर्किट में से। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।